देश दुनिया में करोड़ों भक्तों की आन बान शान बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 नेशनल जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। चैलेंज की बड़ी बात हो रही है नागपुर से रायपुर, और लगातार चैलेंज का सवाल हो रहा है। आपने कहा कि कुछ दानव हैं और मानव संस्था है, रावण के वंशज आपने कहा, क्या चैलेंज है उनको? हमारा कोई चैलेंज नहीं, हम चैलेंजिंग खेल खेलते ही नहीं। हम तो बहुत प्रार्थना वाले लोग हैं, हनुमान जी के चरणों के सेवक हैं। हम तो सिर्फ हनुमान जी की महिमा की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट और अपने सनातन का और अपने धर्म का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों के साथ साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के, हमारी परंपरा में दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे, उनके गुरु जी भी लगाते, हम भी दरबार लगा रहे हैं। चुनौती उन्होंने दी, और ये डिबेट माइक आपको परेशान कर रहे हैं, बेफिजूली में आप भी आधा एक घंटा से खड़े हो, हम आओ भी गला बैठ रहे, इतने में हमारे 8-10 अर्जी लगा देनी थी, कथा कर लेनी थी। इनका मैटर ख़त्म करने के लिए वो आग क्यों नहीं जाते? हम तो वहीं थे, 2 दिन दरबार लगाया, 7 दिन कथा की, क्यों नहीं आए? या लीगली, अब रही बात सुनो कि चुनौती की, आपको लीगली या तो पत्र भेजते या कोई व्यक्ति भेजते या कोई आदमी आता कि गुरु जी ये नागपुर के ही हैं, वहीं रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। अब आने के बाद आप मीडिया में बोलो कि चुनौती से भाग गया, 23 तक हमें यहाँ रहना है, हम यहाँ से भी चले जाएंगे, और तुम आके कहो कि फिर भाग गया, ये मूर्खता है। 20 और 21 तारीख को खुला दरबार है, खुले मंच का है, आपको आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने किसमें कितना है दम। महाराज जी, क्या माना जाए कि हिंदू जो है सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुत्व सॉफ्ट टारगेट है? आदिकाल से इन लोगों ने भगवान राम से उनके होने का सबूत मांगा, भगवान कृष्ण से मांगा, अयोध्या का सबूत मांगा, और हर बार साध सनातनी संतों को इसलिए टारगेट करते क्योंकि हम घर वापसी करवाते, हम सनातन के लिए संकल्प दिलवाते। इन्हें डर है कि जो ये कर रहे हैं उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं, अब 1-2 करोड़ हमारे ऊपर खर्च करके क्यों ना हमको रोड से अलग कर दें ताकि इनका काम पूरा हो जाए। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इनके मूड पर ही झंडा गाड़ने वालों में से हैं, पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं हम इनका। ये कितना भी भों 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 कर लें, हम अपना काम नहीं छोड़ने वाले, सनातन की बात और संतों का आशीर्वाद लेकर हम करते ही रहेंगे जब तक समस्त भारत राममय नहीं हो जाएगा। महाराज जी, जब घर वापसी का आपने अभियान चलाया मध्य प्रदेश में और उसके बाद ये नागपुर का इंसिडेंट हुआ, क्या क्रोनोलॉजी जुड़ रही है या कोई साजिश है? टोटल 36 कथा में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ़ जो हमें आभास हो चुका था, लोग कह रहे होंगे कि गुरु जी को तो सब पता था, ऐसा क्यों नहीं पता लगा? 36 का वीडियो देखना, 36 कथा में हमने घोषणा कर दी थी कि हमारे ऊपर साजिशें होगी, अब वो चल रही, और हमें इनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, हमें लोगों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। आप हमें क्या प्रमाण पत्र दोगे कि हम पे कृपा है कि नहीं? हु आर यू? वो होते कौन हैं? हैं कौन वो? कौन लगते हैं? वो हमें प्रमाण पत्र देंगे? हमें संतों ने प्रमाण पत्र दे रखा, भारतीय सनातनीय संस्कृति ने प्रमाण पत्र दे रखा, बागेश्वर इष्ट परंपरा साधु परंपरा ने, निर्मोही अखाड़ा की परंपरा के दादा गुरु जी, उन्होंने हमें प्रमाण पत्र दे रखा, ये होते कौन? ये हमें प्रमाण पत्र देंगे? हो, हम ज़्यादा इनसे बिचले धोने वाले नहीं हैं, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। महाराज जी, एक आखिरी में सवाल कि आप अक्सर कहते हैं कि ठठरी बांधो, और बुंदेलखंड के लोग समझते हैं ठठरी बांधना क्या होता है, और आपने विदेशियों से ही बुलवा लिया, हमने देखा, ये ठठरी जो बंधवा रहे हैं इसका राज क्या है? इसके बारे में मत पूछना, जो राम की नहीं उनकी ठठरी भरे और भरनी चाहिए, ये नागपुर वाले हैं, इनका लोग ये बताएंगे क्या हुआ था। तो हमारे साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद थे, जो साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे, और कोई भी चैलेंज हो उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, और मानव संस्था जो है वो कह रहे हैं कि वो दानव है, और साथ ही साथ ये साजिश करार दे रहे हैं उनके खिलाफ जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने घर वापसी का अभियान चलाया, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 रायपुर।